बताना जो चाह रहा था, जो बोल रहा था मैं, कि जो गाना है, जो संगीतबद्ध किया है दिलीप सेन जी ने, जो दिलीप सेन समीर सेन के नाम से करीबन 200 से 250 फिल्में उन्होंने दी है पूरी दुनिया को, फिल्म जगत को, उसको गाया है, उसको लिखा गया है लता हया जी ने, और विभिन्न कई विभूतियों ने सामूहिक रूप से गाना गाया है। और मैं मेरे भाई पवन जी को कहूँगा भी कि उसको दिखाएं भी, आप लोग को सुनाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात आप लोगों को बताना जो चाहूँगा कि विदेश में रहते हुए, हम कहते हैं विदेश में जाने के बाद लोग कहते हैं भारत को भूल जाते हैं, भारतीयता को भूल जाते हैं, लेकिन आप सबके समक्ष मैं भारत फाउंडेशन के विदेश के संयोजक, अंतर्राष्ट्रीय संयोजक यहाँ पर आप लोगों के समक्ष आए हैं। कल ही अमेरिका से आए हैं, हॉस्टन से हमारे अरुण जी मुंद्रा साहब, मैं निवेदन करूंगा आप सभी को और हम सभी को कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। हजारों साल से हमारा भारत ही था इंडिया, तो मात्र 200-250 साल पहले आया, अंग्रेज आए और अंग्रेज ने मात्र 15 सालों के लिए अंग्रेज यहाँ पर भारत में आए थे और उन्होंने 250-300 साल हम पर शासन किया। और शासन करने के बाद ये नहीं, बहुत कुछ किया, वो तो आप सभी इतिहास में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की वो ये की कि उन्होंने अपने हमारे भारत को जो हजारों साल से चला आ रहा था उस भारत का नाम मिटाकर उन्होंने अपने देश का नाम इंडिया कर दिया। इंडिया आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का नाम इंडिया तो कभी होना ही नहीं चाहिए। यदि आप लोगों को इसका इंडिया का मूल रूप और अर्थ समझना है तो आर्टिकल नंबर 789 गूगल में आप जाके देखिए, आपको सब पता चलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया राइट, यू मेंशन कि इन अणुगत भवन राइट वाज द कनेक्टिविटी ऑफ दिस राइट व्हाई वी आर डूइंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो संयममय जीवन हो, जीवन ही संयम हो, तुलसी अणु का सिंहनाद सारे जग में पसरेगा राइट। सो जो भारत है वह ऋषि मुनियों की धरती है राइट, और आप लाखों साल का इतिहास देखेंगे आपको अनेक ऋषि मुनि, वेद, पुराण, उपनिषद, धर्म ग्रंथ ये सब मिलेंगे। आप अगर ईस्ट यूरोप से लेके और जापान तक देखेंगे कोई भी सभ्यता नहीं बची, खाली भारतीय सभ्यता बची राइट। यूनान रोम मिश्र से मिट गए जब जहां से, पर बात है कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी राइट। तो ये जो भारत है राइट, ये भारत ऋषि मुनियों की धरती है, जैसे अणुगत तुलसी जी का था सेम वे भरत ऋषि मुनि राइट ये सारे। तो आपके क्वेश्चन में ये आंसर है कि क्योंकि भारत, भारतीय संस्कृति, ये लाखों साल से इसका नाम भारत ही था, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मिडल नेम अंग्रेज जाते हुए। कि एक विवेकानंद को हम सब याद करते हैं जिसने कितनी छोटी सी उम्र में अमेरिका में जाके यूथ को जगाया था और बताया था भारत क्या है। अपने डिफेंस में नहीं जाएंगे, आपने रविंद्रनाथ टैगोर की एक बात सुनी होगी कि भारत मानव तीर्थ सागर है, मानव सागर का तीर्थ है, सॉरी मानव सागर का तीर्थ है। आप अभी अमेरिका में, जो बात विजय जी बोले उसको मैं थोड़ा सा और डिटेल करती हूँ कि आप अभी अमेरिका में 18 साल के बाद किसी लड़के को पूछिए व्हाट इज योर फादर्स नेम, वो ढूंढेगा कौन से फादर का नाम लो। व्हाट इज योर मदर्स नेम, वो ढूंढेगा कौन से मदर्स का नाम लो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप हमारे जो नेबर्स है, हमारे जो संपर्क है, हमारे जो प्रेम भाईचारा वाली चीज है, ये भारत संदेश देता है कि यदि वसुदेव कुटुंब भारत दे सकता है तो भारत ही वो देता है, इसलिए विश्वगुरु था। देखिए जैसे विजय जी, शोभा जी सभी ने बताया कि क्यों पढ़ी है, मैं तो यही बोलूंगी कि आज हम सब ये मिलकर प्रण करें, आज हम ये प्रण ले कि जब तक भारत, जब तक हमारा प्राचीन भारत को भारत नहीं बोला जाएगा आज हम चैन से नहीं बैठेंगे। मैं सभी को बताना चाहूंगी कि 12 साल पहले ही मैं भारत हूँ पत्रिका द्वारा ये अलग जगाई गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी और आज मैं भारत हूँ फाउंडेशन स्थापित की गई है, बस इसलिए ताकि हम पूरे विश्व को ये बता सकें कि आज हमें, आज भी हम इंडिया को क्यों इंडिया कहते हैं,
क्यों नहीं हम इसे भारत के नाम से संबोधित करते हैं? इंडिया तो गुलामी का नाम है। आइए मिलकर आज सब हम ये प्रण लें और इस ऐतिहासिक अभियान में, इस भारत नाम की आज़ादी में जुड़कर भारत स्वतंत्रता सेनानी बने और इस अभियान में हमारा साथ दें, हमारा समर्थन करें और हमें गौरवान्वित महसूस करें। जय भारत। अणुव्रत का जो आंदोलन है वो नैतिकता का आंदोलन है और आचार्य श्री तुलसी ने असली आज़ादी अपनाओ का नारा दिया था और इस अणुव्रत आंदोलन को प्रारंभ किया था। इसी तरह मैं भारत वो फाउंडेशन का जो एक परिकल्पना विजय जी के दिमाग में आई और आज ये इनके इतने व्यापक संपर्क से और इनके परिश्रम से आज ये आंदोलन का रूप ले लिया। क्या कहना चाहेंगे आप, सीए भी हैं? क्योंकि महाराजा हरिसेन हमेशा भारत और भारत की परिकल्पना की है और ये जो अभियान विजय जी और शोभा जी और निशा जी चला रही हैं, मैं तो यही कहूँगा, या यीशु सुप्तेषु जागृत कामम कामम पुरुषो निर्वाणम तदैव शुक्रम तदैव सत्यम तदैव अमृत मुच्यते। ये सोते हुए में से जागते हुए लोग, क्योंकि जब तक ये भारत नहीं कहा जाएगा, मैं इनकी मुहिम के लिए पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में फैला रहा हूँ। 7 तारीख को आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें 250 से ज़्यादा संस्थाएँ इसमें भाग लेंगी और 7 तारीख के बाद में 9 तारीख से 15 तारीख तक जो आप पहले करते थे वो हम जंतर मंतर करेंगे और इसकी परमिशन ली हुई है। दुआ साहब भी बैठे हैं और जैन साहब ने भी वादा किया है कि 9 से पहले दिल्ली छोड़ के नहीं जाएंगे और हमारे जंतर मंतर पे आएंगे। उसके अलावा पूरे विश्व के अंदर गूंज संस्था के माध्यम से बेल्जियम में कपिल शर्मा जी वो भी आ रहे हैं दिल्ली में, उसके बाद रूपा शर्मा जी जापान से आ रही हैं। हमने कहा संगीत बनाओ जो हिंदी का प्रचार करते हैं, अब हिंदी के प्रचार के साथ साथ भारत का प्रचार होगा पूरे संसार में, यूरोप में, अमेरिका में, और वो सब लोग आएंगे। बाद में 14 सितंबर को आपके बॉम्बे के अंदर कार्यक्रम होगा, उसमें भी जैन साहब और आप सबको बुलाया जाएगा, जिससे कि विदेशों के सभी लोगों को भारत के बारे में पता लगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द जस्टिस, जस्टिस कम्स फ्रॉम द सॉवरिनिटी ऑफ माइंड, और सॉवरिनिटी ऑफ माइंड कम्स फ्रॉम दिस टाइप ऑफ द पर्सन। मस्तिष्क की आज़ादी तभी आएगी जब हम अपना नाम तो कम से कम आज़ाद बोलें। अगर हम बोलेंगे गुलामी का नाम तो कहीं ना कहीं हम गुलाम हैं। तो जो आज़ादी की पहल की है विजय जयंती में, हमेशा कह रहा हूँ ये आज़ादी अभी अधूरी है और जिस तरह ये एक मूवमेंट किया था उस समय गांधी जी ने, एक हमारे विजय जयंती ने, शोभा जी ने, निशा जी ने अभियान शुरू किया है। जब तक संविधान के अंदर भारत नाम हो जाए, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत की जगह हम चाहते हैं भारत नाम हो, और इसके लिए कंधे से कंधा मिला के विजय जयंती के साथ है। और जहाँ बुलाएंगे ये दिल्ली का किसी भी गांव में पूरे 350 IAS अफसरों की टीम हमारे साथ है, सबको ये कम्युनिकेट करेंगे।